જેના રૂમાની અવાજના સૌ કોઈ દીવાના છે એવા જાવેદ અલી આજે વીટીવી સાથે છે. આવો તેમની સાથે વાત કરીએ. હેલો જાવેદજી. હેલો જી, જાવેદ જી, આપકી લાઈફ કે બારે મેં સબ કુછ જાનના હૈ આજ વીટીવી કો, વીટીવી કે સારે વ્યૂઅર્સ કો. આપ ક્યા કહેના ચાહોગે લાઈફ? આપ બેઝિકલી આપકે પાપા મશહૂર કવાલી સિંગર હૈ, તો અગર ઉનસે કુછ આપને સીખા, આપકે બચપન કે દિન મ્યુઝિક કે સાથ કૈસે જુડે? સબસે પહેલે ગુરુ મેરે 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 વાલિદ સાહેબ હૈ, મેરે ફાધર હૈ. સબસે પહેલે મેને ઉનસે સીખા, ક્યુંકિ મ્યુઝિક કા માહોલ થા ઘર મેં, ઓર હમ બહોત બ્લેસ્ડ હૈ કે ઉસ માહોલ મેં હમ પલે હૈ. તો વો ચીઝે મેરે અંદર આ ગઈ, ઓર મેરે ડેડી ને દેખા કે જાવેદ કો બહોત ઇન્ટરેસ્ટ હૈ, તો ઉન્હોને મુજે બહોત સારે અલગ અલગ ગુરુઓ સે થોડી થોડી તાલીમ દિલાઈ મુજે મ્યુઝિક કી, જો મેરે લિયે બહોત કામ આ રહી હૈ અભી. और इस तरह करते करते मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा या मैं किस फील्ड में जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था. बस म्यूज़िक सीखना है. और गुलाम अली जी का बहुत, गुलाम अली खान साहब का मैं बहुत बहुत बड़ा फ़ैन था. उनको सुनता था, उनकी उनकी चीज़ें सुनता था, और वही मैं स्टेज पर गाया करता था. तो एक बार मैं बॉम्बे आया, और बॉम्बे आने के बाद में मुझे, मैं एक जगह गा रहा था तो मुझे किसी ने सुना और मुझे कल्याण भाई से मिलाया. तो कल्याण भाई ने फिर ना मुझे फिल्म प्लेबैक सिंगिंग की तरफ प्रोत्साहित किया, पुश किया, और मैं इस तरह से फिर मेरे अंदर एक फिल्मी वो एक कीड़ा था वो लग गया, और उसके बाद में फिर मेरा मेरा माइंड एक सेट हो गया कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है, और मैं फिर प्लेबैक करने के लिए तैयार हो गया. जी, ये तो म्यूज़िक के साथ आप इस तरह से जुड़े, लेकिन लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आया? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट 2006 में आया. मैं बहुत सारे गाने गा चुका था उससे पहले, बेटी नंबर वन, पागलपन, हासिल और आँखें, और सब फिल्मों में मैंने गाया था, लेकिन कोई गाना ऐसा हिट नहीं हुआ था. और एज अ सिंगर, हर सिंगर को एक हिट गाने की तलाश होती है ताकि लोग उसकी कला को, उसके टैलेंट को पहचानें. तो 2006 में एक, 2005 में कजरारे कजरारे मैंने गाया था बंटी और बबली के लिए, वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ. लेकिन फिर भी एक प्यास थी कि कोई एक सोलो गाना हिट होना चाहिए. उसके बाद में मुझे प्रीतम दा ने एक गाना गवाया फिल्म नकाब में, एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊँगा, वो गाना गाया. तो उसके बाद में फिर पूरी इंडस्ट्री में चर्चा हो गई कि ये कौन आया नया सिंगर. सब जानते थे कि जावेद अली को हम जानते हैं, बहुत टैलेंटेड आदमी है, लेकिन कभी काम नहीं होता था किसी के साथ में. तो ये गाना जब हिट हुआ तो फिर मैं सबके साथ में काम करने, जितने भी कंपोजर्स थे मैं सबके साथ में, मैंने मुझे काम करने का मौका मिला, और मैंने काफ़ी सारा काम किया. लेकिन इसके बाद में जब तक आप रहमान सर का गाना नहीं गाते, हर सिंगर की एक चाह रहती है कि कब वो रहमान सर का गाना गाएगा. किसी भी सिंगर से आप पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि मुझे ए आर रहमान के लिए गाना गाना है. तो यही चाह मेरे दिल में भी थी, और जब उनके लिए गाना गाया और पहला गाना रिलीज़ हुआ जोधा अकबर में, जश्न बहारा, तो उससे मेरे करियर को सही मायनों में एक टर्निंग पॉइंट वो कह सकते हैं. फिर एज अ प्लेबैक सिंगर मेरा उसमें नाम आना, एक लीग में नाम आने में लगा, तो मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ. मतलब तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए. उसके बाद में फिर लाइन से फिर मेरे सारे गाने रिलीज़ होते गए, और खुदा का शुक्र है आज तक रिलीज़ हो रहे हैं. यार रहमान के साथ आपने जो काम किया, तो उसमें आपके यादगार पल कौन से रहे? एक तो वो जब मैं उनसे पहली बार मिला था, नर्वस था बहुत ज़्यादा, और उनके साथ में मैंने जितने भी गाने किए हैं, जितना भी काम किया है, वो सब सारा सब एक एक स्टोरी है. लेकिन एक टाइम में वो चीज़ें बताना मुश्किल है. जब मैं उनके साथ में कुन फाया कुन कर रहा था, तो मैंने वजू किया था, टोपी लगाई थी, और मैं माइक पे था, और इरशाद साहब, रहमान सर और हम तीनों ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, और स्टूडियो में कोई नहीं था, और एक कैंडल जल रही थी स्टूडियो के अंदर. वो मुझे एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकता. और इसके साथ साथ मैंने जब फिल्म तुम तक का गाना गाया, ये रांझणा का गाना गाया, तो तब मैं मेरी फैमिली के साथ में हॉलीडेज़ पे गोवा गया हुआ था. तो गोवा में मैं वहाँ से रिटर्न आया, और ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया. मेरी छुट्टियाँ ब्रेक की मैंने, और मैं वापस आया और ये गाना रिकॉर्ड किया. इसके अलावा फिल्म गजनी का जो मैंने गाना गाया था गुजारिश, वो गाना, उस गाने के मैं, हमने 7-8 वर्जन रिकॉर्ड किए थे अलग अलग, जिसमें से ये फाइनल हुआ तू मेरी अधूरी प्यास प्यास. सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, और एक टाइम में बताना मुश्किल है. बहुत मज़ा आया. ओके, तो इनमें से आपके फेवरेट सॉन्ग कौन से है? मेरे सारे गाने मेरे बहुत फेवरेट हैं. अगर किसी आप पेरेंट्स से बोलेंगे कि ना उनका कौन सा बच्चा फेवरेट है आपका, तो शायद मुश्किल होगा. उसी तरह हमें भी ये बताना मुश्किल होता है कि
आपका कौन सा गाना फेवरेट है? ओके, तो लास्ट ये गुनगुनाएंगे वी टी वी के व्यूअर्स के लिए। विच सॉन्ग आपको जो पसंद है वो? मेरी हर मन मानी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे लगवा दे जा।